पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है ना, जो बैटर्स हैं, यही जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इनमें से कोई एक्स्ट्रा आपके पास आने वाला नहीं है, किसी का इंतजार नहीं है हमें, या आप इंतजार मत कीजिएगा किसी का कि कोई फला आएगा तो वो अच्छी बैटिंग कर लेगा तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। और अगर ये उम्मीद अगर आप इनसे लगा रहे हो तो यकीन कीजिए आप और हम सब हमेशा की तरह इनसे डिसअपॉइंट होंगे। जो इन्होंने उड़ाया वर्ल्ड कप में किया था ना, वो अब T20 वर्ल्ड कप में करने जा रहे हैं। आप हालात देख लीजिए रिजवान की। सबसे पहले तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप मेरी पुरानी वीडियो तो उठा के देख लें, ये जो एक साजिश, एक प्लानिंग, जो एक ग्रुपिंग चल रही है ना, वो ग्रुपिंग अलग है, लेकिन एक ओपनर्स की एक अलग प्लानिंग चल रही है। हर कोई ओपनिंग करना चाह रहा है। आप बताइए क्या फखर जमान की पोजीशन चौथे नंबर पे है या नहीं है? नहीं है ना। उसकी उसका कैरियर क्यों दांव पे लगाने पे तुले हुए हो? क्यों रिजवान तुला हुआ है के जो थर्ड पोजीशन पे बैटिंग कर सकता है वनडाउन, उसको फोर्थ पे क्यों डाला है? और खुद जलालत की तरह, हठधर्मी की तरह ओपनिंग करने की कोशिश करा, और ओपनिंग में क्या हुआ? देखिए जब आप किसी के लिए दिल में ऐसी बातें रखते हो ना, तो फिर अल्लाह भी आपके साथ बुरा करता है। और जो हुआ रिजवान के साथ, सही टाइम पे गलत आउट, रन आउट हो गए, कहानी खत्म हो गई। अब जाओ के बैठो, आए थे ना तुम ओपनिंग करने के लिए। रिजवान देखे घुन्ना है घुन्ना, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं रिजवान अंदर ही अंदर अपना गेम खेलता है, वो मुल्क का नहीं सोचता। लाख आप कुछ कर ले, मैं आप गारंटी से बताता हूं, ही इज अ सेल्फिश प्लेयर। जैसे इमाम एक सेल्फिश प्लेयर है ना, मोहम्मद रिजवान भी एक बहुत बड़ा सेल्फिश प्लेयर है। आप अभी आने वाले मैचेस और देखिएगा, सिर्फ अपने लिए बैटिंग करता है, कभी भी टीम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से उस शख्स ने बैटिंग नहीं की। हाँ, टीम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से बैटिंग करेगा तो आपको साहिब अयूब नजर आएगा, बाबर नजर आएगा, फखर जमान नजर आएगा बैटिंग करते हुए, शादाब नजर आएगा आपको बैटिंग करते हुए, इवन मैं तो कहूंगा आजम खान भी करते हुए नजर आएगा। वो डरता नहीं है, वो उसको अपने लिए नहीं करता, वो कहता है यार शॉट लगा मैं आउट हो गया, लेकिन मैं टीम के लिए अपनी वो नहीं जाया करूंगा बॉल। रिजवान के अंदर ये खुशियात है। फिर आप मुझे बता दीजिए साहिब अयूब खेला अच्छा, लेकिन उतना आगे तक नहीं लेके गया, उसको मैं अभी एक चांस दे देता हूं। बाबर ठीक है बैटिंग कर रहा है, फखर जमान का कसूर नहीं है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, फखर जमान तीसरे नंबर में बैटिंग करने आए, आपका जो पावर प्ले है, अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई प्लेयर बैटर ओपनर पावर प्लेयर पे आउट होता है तो फखर उसको कवर कर लेगा। अब फखर अगर पावर प्लेयर के बाद आएगा तो फखर की वो जो कैपेबिलिटीज है, जो स्किल्स है, वो उसको अवेल नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो प्लेयर बाउंड्री के बाहर जा चुके होंगे। हाँ, उसमें इतनी ताकत है कि वो फेंक सकता है, लेकिन कोई शॉट नहीं भी लग सकता है। तो फखर आपको पावर प्ले में चाहिए, तो पावर प्ले के लिए वो उसी वक्त होगा जब वो तीसरे नंबर पे बैटिंग करेगा। बाबर को ओपनर आना पड़ेगा, और साथ में साहिब अयूब को, फिर फखर को, फिर रिजवान को। ये समझ में नहीं आ रहा रिजवान की। उसके बाद आवाज है आजम खान पे। मैं आजम खान को बार बार सपोर्ट कर रहा हूं, बार बार सपोर्ट कर रहा हूं कि इसको मौका देना चाहिए, लेकिन जिस तरह का डरपोक शॉट खेल के आजम खान आयरलैंड के बॉलर के खिलाफ आउट हुआ, मैं शर्मिंदा हो गया, मेरी नजरें झुक गई। मेरा भांजा बैठा हुआ था मेरे साथ, वो देख के हंस रहा था कि जिस तरह का आजम खान ने शॉट खेला, यार उसने आपको बाउंसर मारी, आप डर के यूं शॉट खेल गए। आपको अगर इतना डर था उस बॉल से तो आप इस तरह का पुल शॉट नहीं खेलते। आपने ऐसा पुल किया कि आपकी ताकत नहीं थी और आप बाउंड्री में कैच आउट हो गए। तो सिचुएशन यही समझने की है कि ठीक है मौका दें, अभी और मैचेस हैं, आयरलैंड भी है, इंग्लैंड भी, लेकिन आजम खान को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों से बात होती है, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते थे, इवन मेरी फैमिली में लोगों ने कमेंट्स किया यार कि जो आजम खान है ना वो क्लब क्रिकेट का प्लेयर है, यानी कि वो क्लब क्रिकेट खिला लो उससे, वहां पे वो शॉट्स मार लेगा, उससे नेट में छक्के छक्के लगवा लो आराम से मार लेगा, उसे लीग क्रिकेट में छक्के लगवा लो वो मार लेगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट वो फेल है। तो आजम को मैं चाहता हूं कि पूरा मौका दिया जाए और वो हमें प्रूफ रॉन्ग करे। हम समझते हैं कि आजम खान जो है वो क्लब क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट का प्लेयर है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्लेयर नहीं है। आजम के पास अभी 3-4 मैचेस जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ है, 2 मैचेस मजीद बाकी आयरलैंड के खिलाफ, तो ये 4 और 6 मैचेस पूरे आजम को देने चाहिए और देखना चाहिए आजम को कि जो बातें करता है कि उसको पूरा मौका नहीं मिला, फिर उससे बात की जाएगी, उसको पूरा मौका दिया जाए। फिर वो कहता है कि मैं कुछ वो हम वो नहीं है जो बटन दबाए छक्के मारने शुरू जाए, उस 6 इस पूरे मैच को उसको देना चाहिए, मजीद 6 मैचेस, उसके बाद वो हमें गलत साबित करे कि जो हम बोल रहे हैं कि वो एक फ्रेंचाइज क्रिकेट का प्लेयर, वो इंटरनेशनल क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है, उसको हमें प्रूव करके रॉन्ग करे तो हम मान जाएंगे। आजम खान की बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, इस
बैटिंग लाइनअप से हम कैसे वर्ल्ड कप जीतेंगे, मुझे कोई ये बता दे इस बैटिंग लाइनअप से हम कैसे वर्ल्ड कप जीतेंगे, कहां दुनिया पहुंच गई है, कहां दुनिया के क्रिकेटर्स पहुंच गए। आप इंडिया इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप देखें, आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप देखें, आप इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखें, ऑस्ट्रेलिया तो छोड़ ही दें, उनके तो ऐसे ऐसे हिटर्स हैं, इवन साउथ अफ्रीका के भी ऐसे ऐसे हिटर्स हैं, न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप देखें और हमारी बैटिंग लाइनअप देखें, पेपर पे नाम आता है लेकिन हमारे प्लेयर्स इतने बड़े बड़े डरपोक हैं, इतने बड़े बड़े फेलियर्स कर रहे हैं कि हम टेंशन है, मुझे तो अब उम्मीद ही टूट गई यार, हम आयरलैंड से ही हार गए। और आयरलैंड से कि एक हारना होता है और एक बैटर्स की परफॉर्मेंस होती है, बॉलर्स पे तो मैं अलग बताऊंगा, बैट बैटर्स तो यार आपको वो बैटिंग करते नजर ही नहीं आए, वो खुले खुले शॉट मारते हुए नजर ही नहीं आए, इतना छोटा ग्राउंड, उस तरह की बैटिंग साई मयूब की नजर नहीं आई, उस तरह की बैटिंग बाबर की नजर नहीं आई। रिजवान तो खैर साजिश पे आए थे, वो तो रन आउट ही हो गए, उनसे ज्यादा शर्मनाक बात तो और हो ही नहीं सकती। सेम गोस विद आजम खान, उन्होंने तो सुभान अल्लाह शादाब डक पे रन आउट हो गए, उसके बाद इफ्तिखार ने थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन मेरे तो ये समझ नहीं आया जब इमाद को बैटिंग करने के लिए आना था, इमाद इज मच बेटर हिटर देन पास की हिस्ट्री की बताती भी है शाहीन चावरेदी, लेकिन पता नहीं कौन सा पौआ है, किस गधे ने उनको ये मशवरा दिया कि शाहीन चावरेदी पहले जाएगा और इमाद बाद में जाएगा, और 8 बॉलें मौसूफ ने खेली, सिर्फ 2 बॉलों पे छक्के लगाए, 6 बॉलें मौसूफ ने जो है वो मिस की हैं, डॉट हुई हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि इस क्रूशियल मोमेंट पे जब 12 बॉलें रह गई थी तो मौसूफ ने 6 डॉट बॉलें खेलनी तो बचा ही क्या, तो बचा ही क्या। तो सिचुएशन ये है कि इस लाइनअप के साथ, इस बैटिंग लाइनअप के साथ पाकिस्तान सीरीज कोई बायलैटरल सीरीज आयरलैंड के खिलाफ तो चलो जीत भी जाएगा कुछ भी दंग करके, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अभी आप और तो कोई पीछे है नहीं, ये तो है नहीं कि कोई और पीछे बैकअप पे हो यार, आपने किसी को रेस्ट दिया हुआ, कौन आपका आगे बैटर करेगा, इस तरह बैटिंग लाइनअप पे आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। आजम खान आप देखें, साई मयू, फिर बाबर, फिर या रिजवान, उसके बाद फखर, फिर आजम खान, ये बैटिंग लाइनअप है आपका, ये आपको परफॉर्मेंस देगा, शादाब, इमाद, शाहीन, ये बैटिंग लाइनअप है, इफ्तिखार आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं, ये इंडियन बॉलर्स को मारेंगे, ये इंडियन बॉलर जब आयरलैंड के बॉलर के सामने इनके हाथ पैर फूले हुए तो ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इनके सामने, इनके बॉलर्स के सामने क्या करेंगे, और इतने बड़े बड़े मैचेस पे इतना बड़ा पे प्रेशर आएगा जब आईसीसी इवेंट यानी कि T20 वर्ल्ड कप होगा, तो उस वक्त क्या करेंगे जब एक आयरलैंड जैसे मैच में जहां आपके पास प्रेशर नहीं, वहां आपके प्लेयर बैटर्स के हाथ पैर फूले हुए थे, उनके ऐसे ऐसे बॉलर्स के सामने हाथ पैर फूले थे, स्पिनर तो थे भी नहीं ऐसे क्लास के, ना कोई मेन खास फास्ट बॉलर, उनका आप शॉट नहीं मार सके, तो आगे हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, चेयरमैन के लिए भी, चीफ सेलेक्टर तो कहे नहीं, सेलेक्टर्स के लिए भी, जो लाइन लगी हुई सेलेक्टर्स की, 7-8 सेलेक्टर्स की, बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। और खुदा के वास्ते वो साहबी अपना मुंह बंद कर ले जो उठाओ गिरी में लगे रहते हैं कि बाबर अब इतना स्कोर करने वाला है, ये रिकॉर्ड बनाएगा, रिजवान अब ये रिकॉर्ड बनाएगा, इमाद अब ये बनाएगा, फखर ये करने वाला है, साहिब ये करने वाला है, इफ्तिखार ये करने वाला है, हाथ जोड़ता हूं, बकवास बंद कर दो, खुल के बोलना शुरू करो ताकि ये इन लोगों की अकल में आए कि कुछ करें जेके, और जो ये पॉडकास्ट करके बैठ जाते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स या साथियों से बात करके, यार बंद करो, मुंह से बोलना बंद करो, क्लियर अपने बैट से जवाब दो बैटर्स, वरना ये मुल्क बार बार सफर कर रहा है एज अ क्रिकेट। एशिया कप से लेकर अब तक कौन सा सीरीज पाकिस्तान जीता है मुझे बता दें, बड़ी इवेंट छोड़ दें, बायलैटरल सीरीज मुझे बता दें कौन सा पाकिस्तान जीता है। अब मैं आपको जिससे इतना याद दिला दें, एशिया कप मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर 2023 में हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं, सितंबर में हुआ था, इसी तरह सितंबर 2023 से शुरू हुआ था और उसके बाद हाथ पैर फूल गए थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के, और आज तक हाथ पैर फूले हुए, कप्तान बदला, लेकिन सब वही है, इसकी वजह यह है, आप सब नोट कीजिएगा, इस टीम, ये टीम नहीं, ये ग्रुप है, डिवाइड हुआ है ग्रुपिंग में, और इसी वजह से हम का मैचेस हार रहे हैं। बाकी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।